हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 11 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे, तो चलिए करते हैं। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55वें स्थान पर रहा है। और देखिए, पिछली साल भारत 43वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर है अंडमान सागर। और देखिए, ए इंडिया और थाईलैंड के बीच अभ्यास हुआ है। और बात हो रही है थाईलैंड की, तो देखिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चन ओचा हैं और राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा है थाईवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। और बात हो रही है देखिए अल सल्वाडोर की, तो देखिए अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नाइब बुकेले हैं, राजधानी सैन सल्वाडोर है और देखिए मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD व CEO नियुक्त किया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। और देखिए ए है चंद्रशेखर घोष, अब इनको दोबारा से 3 साल के लिए बंधन बैंक का MD व CEO नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है बंधन बैंक की, तो देखिए बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं और RBI का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन प्रियोनर अवार्ड 2021 ने जीता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर चारू कोसलाने। और इन्होंने ए अवार्ड ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए इनको ए प्रतिष्ठित ग्रीन प्रियोनर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और देखिए ए हैं डॉक्टर चारू कोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा MIT जो कि USA की एक यूनिवर्सिटी है, ये टॉप पर रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी USA की एक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। टॉप 200 विश्वविद्यालय में हमारे भारत के 3 विश्वविद्यालय आए हैं इसमें, जो कि 172वें नंबर पर IIT बॉम्बे है और 185वें नंबर पर IIT दिल्ली है और 186वें नंबर पर IISc बेंगलुरु है। MIT की फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री दुनिया के दूसरे सबसे गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, और पहले नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये है भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री। और फीफा की फुलफॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहिंग फटकई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, राजधानी दिसपुर है। और देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है जो कि असम में है। असम के राष्ट्रीय उद्यान, अब देखिए ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, तो इससे पहले 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला काजीरंगा, दूसरा है डिब्रू सुखोबा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, पाँचवाँ है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और छठवां अभी बना था, देखिए अभी पढ़ा था हमने ती उद्यान। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या 10 मध्य प्रदेश में है जो कि पहले नंबर पर है भारत में, और देखिए 9 अंडमान निकोबार में है, और देखिए अभी 7 हो गए हैं असम में जो कि तीसरे नंबर पर आ चुका है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब बात हो रही है देखिए अमेरिका की, तो देखिए
MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन से लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस एक कंपनी है जो कि रोमियो हेलीकॉप्टर बनाती है, तो इसका जो नाम इम्पोर्टेंट है। और देखिए, हमने जो रफेल लिए थे वो फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट से लिए थे। और देखिए, बात हो रही है अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है जो कि 46वें नंबर के हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो कि 49वें नंबर की हैं, और देखिए अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है, और देखिए विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकन है, और देखिए भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो कौन कौन से हैं, युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प, वज्रप्रहार और कूप इंडिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युका सासो ने, और युका सासो ने नासा हतोका को हरा कर US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। ये ए है युका सासो। देखिए, हमने 11 जून के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन कर लिया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।